हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशा पांडे। आज के मेरे ऑनलाइन ई लेक्चर में आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं अपना आज का टॉपिक प्रारंभ करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बीमा एजेंट के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। बीमा एजेंट अनेक कार्य करता है। बीमा प्रस्ताव को भराने से पूर्व से लेकर बीमा पत्र जारी हो जाने के बाद तक अनेक कार्य करता है और इसी के कारण हम इनके कार्यों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। उसमें पहला है विक्रय पूर्व कार्य, प्री सेल फंक्शंस, एंड सेकंड है विक्रय पश्चात कार्य, आफ्टर सेल फंक्शंस। फर्स्ट आता है विक्रय पूर्व कार्य, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, प्री सेल फंक्शन। बीमा एजेंट का कार्य बीमा पत्र के जारी होने से बहुत पहले प्रारंभ हो जाता है। बीमा एजेंटों को सामान्यतः बीमा पत्रों के विक्रय से पूर्व निम्न कार्य करने पड़ते हैं। उसमें पहला है संभाव्य बीमित प्रॉस्पेक्ट इंश्योर्ड की खोज। बीमा एजेंट का सर्वप्रथम कार्य संभाव्य बीमितों या बीमाधारियों की खोज करना है। संभाव्य बीमित वह व्यक्ति या संस्था है जिसे किसी बीमा उत्पाद की आवश्यकता है तथा उसमें उसे क्रय करने की क्षमता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आवश्यकता है और उसे क्रय करने की क्षमता है। संभावित ग्राहकों की खोज करना एक अनवरत कार्य है। एजेंट को सदैव नए ग्राहकों की खोज करनी ही होगी, तभी वह निरंतर बीमा व्यवसाय प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि संभाव्य या भावी ग्राहकों की खोज करना बीमा एजेंट की सफलता का जीवन रक्त है, जिसका निरंतर प्रवाह बना रहना चाहिए। यदि बीमा एजेंट नए ग्राहकों की खोजना एवं जोड़ना जारी नहीं रखेगा तो वह उसके मृत्युकारक रक्तपात, जिसे हम ब्लीडिंग के समान हो जाएगा। बीमा एजेंट अपने संभाव्य बीमितों बीमाधारियों की खोज अनेक स्रोतों से कर सकते हैं। संभाव्य बीमितों की खोज किससे कर सकते हैं? पारिवारिक मित्र या संबंधी के माध्यम से, वर्तमान बीमाधारी के माध्यम से या बीमित के माध्यम से, टेलीफोन निदेशकों के माध्यम से या टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से, जातीय या सामुदायिक संगठनों से जो कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से, सरकारी गैर सरकारी संगठनों से, आयकरदाताओं की सूची से, व्यापारिक संघों के माध्यम से, सेवा संगठनों के माध्यम से, बीमा भवन एवं कारखानों की सूची से, जन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, आदि ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से वह संभावित बीमित की खोज कर सकता है। सेकंड आता है संभावित बीमितों की आवश्यकता का अध्ययन करना। संभावित बीमितों की सूची तैयार कर लेने के बाद एजेंट को उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए। जो बीमा एजेंट जितना अधिक अपने भावी बीमितों की आवश्यकताओं को समझ सकेगा वह उतना ही अच्छा प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन कर सकेगा। बीमा एजेंट अपने संभाव्य बीमितों की आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके संबंध में अनेक तथ्यों को भी ज्ञात करता है। वह उनकी आय एवं आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, परिवार के में सदस्यों की संख्या, मित्र, शिक्षा, आदतें, शौक, बीमा उत्पादों के प्रति धारणा, पूर्व के लिए गए बीमा पत्र आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इन सभी बातों के संबंध में बहुत गहन जानकारी करना तो प्राय बहुत कठिन होता है, लेकिन वह इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करके
भी अपने कार्य को सफल बना सकता है। तीसरा जो कार्य है, संभाव्य बीमितों से संपर्क करना एवं उचित बीमा पत्र का सुझाव देना। प्रत्येक बीमा एजेंट संभाव्य बीमितों की सूची में से प्रतिदिन कुछ से संपर्क करता है। वह उन्हें अपना परिचय देता है। यदि वह एजेंट संभाव्य बीमितों के किसी मित्र या संबंधी के माध्यम से भी संपर्क करने पहुंचता है तो वह उनका संदर्भ भी देता है। तत्पश्चात वह उस संभाव्य बीमित की आवश्यकताओं को समझकर उसकी प्रीमियम भुगतान क्षमता को ध्यान में रखकर उसे उचित प्रकार के वैकल्पिक बीमा पत्रों के संबंध में जानकारी देता है। इसी के साथ वह अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर उन्हें उचित बीमा पत्र का सुझाव भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा पत्र के लिए आग्रह। बीमा एजेंट अपने संभाव्य बीमितों को बीमा पत्र क्रय करने के लिए सुझाव ही नहीं देता, वह उन्हें बीमा पत्र के क्रय के लिए आग्रह या प्रेरित करता है। इस हेतु संभाव्य बीमितों को बीमा पत्र की आवश्यकता अनुभव करवाता है तथा उन्हें समझाता है कि किस प्रकार उसके बीमा पत्र उसकी आवश्यकताओं को सर्वश्रेष्ठ ढंग से संतुष्ट कर सकते हैं। इसके लिए वह बीमा पत्रों को लाभ एवं उसके अधीन प्रदत्त सुविधाओं को अधिक प्रभावी रूप से स्पष्ट करता है। फिफ्थ है बीमा प्रस्ताव पत्र भरना। बीमा एजेंट प्राय अपने संभाव्य बीमितों की ओर से बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरने का कार्य भी करता है। बीमा प्रस्ताव फॉर्म में प्रस्तावक बीमा की विषय वस्तु के संबंध में अनेक सूचनाएं पूछता है। जीवन बीमा प्रस्ताव की दशा में प्राय प्रस्तावक की जन्मतिथि, आयु, पारिवारिक स्वास्थ्य का इतिहास, प्रस्तावक का कार्य, व्यवसाय, कार्य की दशाएं, प्रस्तावक की आदतें, बीमारियों आदि के संबंध में सूचनाएं मांगी जाती हैं। बीमा एजेंट प्रस्तावक से पूछकर सभी सूचनाएं प्रस्ताव फॉर्म में लिख देता है। अंत में वह बीमा प्रस्तावक से उस प्रस्ताव फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेता है। बीमा प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में आगे हम और भी विस्तार से आपको अध्ययन करवाएंगे। सिक्स पॉइंट आता है हमारा आयु प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं आयु स्वीकृत करना। यहाँ केवल प्रमाण पत्र आया है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से प्रमाण पत्र लिखा गया है। इसे आयु प्रमाण पत्र पढ़ें। आयु प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं आयु स्वीकृत करना। बीमा एजेंट का एक कर्तव्य यह भी है कि वह जीवन बीमा प्रस्तावक से उसकी आयु का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है तथा उसे बीमा कंपनी से स्वीकृत करवाता है। इसी आधार पर प्रीमियम की राशि निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त दावे की राशि प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। सेवन पॉइंट आता है हमारा प्रीमियम प्राप्त करना। बीमा एजेंट प्राय प्रस्ताव फॉर्म के साथ ही बीमा की प्रथम प्रीमियम की राशि या उस राशि का चेक भी प्राप्त कर लेता है। प्रीमियम की राशि या राशि का चेक प्राप्त करके वह उसे बीमा कंपनी के पास जमा करवा देता है। जब बीमा कंपनी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी तब वह उसकी रसीद बना देगी तथा बीमा प्रस्तावक अब बीमित को भेज देगी। एट पॉइंट है चिकित्सा जांच की व्यवस्था करना। बीमा एजेंट का एक कार्य यह भी है कि वह जीवन बीमा प्रस्तावक की चिकित्सा जांच की व्यवस्था करता है। सभी बीमा पत्रों के प्रस्तावों के लिए सदैव प्रस्तावक की चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ बीमा पत्रों के प्रस्तावकों की चिकित्सा जांच करनी आवश्यक होती है। नाइन पॉइंट है एजेंट का प्रतिवेदन तैयार करना एवं प्रस्तुत करना। बीमा एजेंट को प्रत्येक बीमा प्रस्ताव एवं प्रस्तावक के संबंध में अपना प्रतिवेदन
या रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है एवं बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस प्रतिवेदन या इस रिपोर्ट में बीमा एजेंट प्रस्ताव एवं प्रस्तावक के संबंध में अपनी राय प्रकट करता है। वह बीमा प्रस्ताव या प्रस्तावक से संबंधित जोखिमों, विशेषकर प्रतिकूल जोखिमों का अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करता है। वह उन परिस्थितियों का भी अपने प्रतिवेदन में उल्लेख करता है जिनमें जोखिम बढ़ सकती है। 10 पॉइंट है, बीमा प्रस्ताव को स्वीकृत कराना। बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वह बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव यथाशीघ्र स्वीकार करने के लिए आग्रह करता है। बीमा कंपनी प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मांगती है, तो उन सूचनाओं के संदर्भ में प्रस्तावक से जानकारी प्राप्त कर कंपनी को उपलब्ध करा देता है। कभी कभी बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम की भी मांग कर लेती है। ऐसी दशा में बीमा एजेंट प्रस्तावक को अतिरिक्त प्रीमियम की राशि देने के लिए आग्रह करता है और उसे प्राप्त कर बीमा कंपनी के पास जमा करवा देता है। जब बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव संबंधी सभी सूचनाएं तथा आवश्यक प्रीमियम प्राप्त हो जाती है, तो वह बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ही बीमा कंपनी प्रथम प्रीमियम की रसीद जारी करती है। बीमा एजेंट इस रसीद को जारी करवाने के बाद ही बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में सफल हुआ माना जाता है। सेकंड कार्य है हमारा, या सेकंड फंक्शन है, विक्रय पश्चात कार्य, आफ्टर सेल फंक्शन। बीमा एजेंट को बीमा पत्रों के विक्रय के बाद भी अनेक कार्य करने होते हैं। उससे सामान्यतः बीमा पत्रों के विक्रय के बाद के कार्य करने पड़ते हैं, जिसे हम आफ्टर सेल फंक्शंस कहते हैं। उसमें पहला है बीमा पत्रों के नामांकन तथा हस्तांतरण में परामर्श एवं सहायता देना। सभी एजेंटों को बीमा पत्रों के हस्तांकन अथवा नामांकन के संबंध में सलाह देनी चाहिए। जहां आवश्यकताओं को वहां आवश्यकता हो वहां उनकी सहायता भी करनी चाहिए। बीमा पत्रों का नामांकन एवं हस्तांकन न होने पर बीमा पत्रों के दावे के समय बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, अतः उन्हें इस संबंध में उपयुक्त सलाह देनी चाहिए। 12nd पॉइंट हमारा, विद्यमान व्यवसाय को सुरक्षित रखना। बीमा एजेंट को नए व्यवसाय को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ ही उसे विद्यमान व्यवसाय या पहले जारी किए गए बीमा पत्रों को चालू रखने का भी प्रयास करना चाहिए। कई बीमित बीमा पत्रों पर प्रीमियम जमा करवाना बंद कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बीमा पत्र कालातीत हो जाते हैं। एजेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए तथा अपने पुराने बीमितों के बीमा पत्रों को चालू रखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है प्रीमियम के यथासमय भुगतान के लिए प्रेरित करना। बीमा एजेंटों का एक कर्तव्य यह भी है कि उन्हें अपने बीमितों को प्रीमियम का यथासमय भुगतान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें बीमितों को यथासमय प्रीमियम का भुगतान न करने के प्रभावों से अवगत कराना चाहिए। उन्हें रियायती अवधि तक प्रीमियम जमा करवाने का महत्व समझाना चाहिए। चौथा है बीमा पत्रों के कालातीत होने या उनको चुकता करवाने से रोकना। कई लोग थोड़ा सा भी आर्थिक संकट आता है तो सबसे पहले बीमा प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं। जब बीमा पत्र पर कुछ वर्षों का प्रीमियम बकाया हो जाता है तो वे अपने उसे बीमा पत्र को चुकता या पेडअप करवा लेते हैं। परिणाम स्वरूप विद्यमान व्यवसाय कम हो जाता है। बीमा एजेंटों को अपने बीमितों को बीमा पत्रों को के चुकता करवाने के दोष बताने चाहिए तथा
उसे ऐसा ना करने की सलाह देनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है ऋण दिलाने में सहायता करना। ऋण दिलवाने में सहायता करना। कुछ बीमा पत्रों पर बीमितों को ऋण लेने की सुविधा भी होती है। बीमा एजेंटों को अपने बीमा पत्रों पर ऋण प्राप्त करने में आवश्यक सहायता भी करनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है दावों के भुगतान प्राप्त करने में सहायता करना। बीमा एजेंटों को अपने बीमितों अथवा उनके उत्तराधिकारियों आदि को बीमा के दावों के भुगतान को प्राप्त करने में सहायता भी करनी चाहिए। उन्हें दावा फॉर्म भरने तथा दावे की विभिन्न औपचारिकताओं को पूरी करवाने में भी उनकी सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बीमा एजेंट को कई कार्य करने पड़ते हैं। उसमें है समुचित कुशलता एवं परिश्रम के कार्य। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।